वेल, हम दोनों तो देखते आए हैं सारे एपिसोड्स, लेकिन आज हम लाइव देखने आए हैं और एंजॉय करने आए हैं, क्योंकि हम फैंस हैं इंडियन आइडल के ब्रांड के। और क्या सुपर कूल है, हम भी रिलीज़ हो रही है, तो टू कूल ब्रांड्स। देश के अलग अलग कोने से आते हैं लोग, जैसे पहली बार मुझे लगता है अभिजीत सावंत आए थे, उनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा उस वक्त। और अनफॉर्चुनेटली काम की वजह से मुझे इतना वक्त नहीं मिलता, बट आई एम सो एक्साइटेड कि आज यहाँ आकर लाइव देखने का मौका मिलेगा। एक ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, आई वांट टू सी देवेंदर्स वर्क, हिज परफॉर्मेंस लाइव। टीवी पे कुछ अलग ही नज़र आता है, मुझे लगता है लाइव का मतलब चाम अलग होता है, लाइव का चाम अलग होता है, एक अलग ही अनुभव होता है। आई वांट टू सी पूर्वी सिंगिंग एंड रितिका भी है, तो इन सबको देखना चाह रहा हूँ मैं, और बहुत सारे और हैं, मतलब शायद मेरे फेवरेट्स बदल जाएं आज आने के बाद। यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं सब अच्छे गा रहे हैं, और सबको मैं अपना टफेस्ट कंपटीटर मानती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो यहाँ पे गाते हैं, और बहुत एक्सपीरियंस, बहुत लर्न और बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर जो हैं, वो हमेशा से इंडियन आइडल के थिएटर राउंड से लेकर अभी टॉप 7 तक पहुंचने के बाद भी मुझे विपुल भैया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लगते हैं। मेरे लिए यहाँ पे जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर है वो है कौशिक भैया, और मेरे साथ बैठी हैं पूरी। कौशिक भैया इसलिए क्योंकि एक तो वो हमसे बड़े हैं और बहुत एक्सपीरियंसड हैं, और वो एक वर्सटाइल सिंगर है। पूर्वी को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पूर्वी जो जॉनर गाती है अपना, उसका जो जॉनर है, मेरे ख्याल से उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता, हम लोग वहाँ तक नहीं गा सकते। वो बहुत एक अच्छी ट्रेंड सिंगर है और वो उस जॉनर में दी बेस्ट है। जैसे यहाँ पे सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जिन दो लोगों से मैं अपना कॉम्पिटिशन समझती हूँ कि मेरे टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, वो है विपुल और कौशिक भैया। बच्चों का गाने का अगर आप पूछेंगे आज का, तो आज उन्होंने बहुत बुरा गाया, सब ने बुरा गाया, और वो सुन के मुझे ऐसा लगा कि वो गाने वाले कितने बढ़िया थे, कितने बड़े गाने वाले थे, कि उनको नकल करना भी मुश्किल है। उनके जैसा गाना गाना, मन से गाना, वो तो मन से गा रहे थे, किसी को नकल नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी नकल करना भी मुश्किल है। तो उनकी और भी इज्जत ज़्यादा मन में हो गई, और उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। आराधना विल ऑलवेज बी माय ऑल टाइम फेवरेट, बिकॉज आराधना में जब उन्होंने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। दो दिन से शर्मिला जी वॉज नॉट प्रेजेंट व्हेन द शॉट वॉज टेकन, लेकिन इतनी खूबसूरत लगी शर्मिला जी, बट द वे राजेश खन्ना की अदायगी थी, द वे ही वॉज वोइंग, और लिप सिंग जो राजेश खन्ना जी किशोरदा की आवाज़ पर करते थे, जो पंचमता का म्यूजिक था, ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना जी ने गाने गाए। आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा हुआ है, बिकॉज कई बार ऐसा एपिसोड में हुआ कि हमें हमारी आँखें भर आई। राजेश खन्ना जी को हम सब बहुत मिस करते हैं, और उन्होंने जो काम किया है, जो उन्होंने जो फिल्में की है, जो रोल्स निभाए, वो शायद ही कोई कभी कर सकेगा। इतने मुश्किल गाने उन्हें मिलेंगे, या मैं ये कहूँ कि जितने आसान गाने उनको मिलेंगे, क्योंकि कभी कभी आसान गाने गाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो देखते हैं कि वो उनको कैसा गाते हैं, कैसा निभाते हैं, फिर उस हिसाब से जनता और हमारा 50-50% वोटिंग सिस्टम है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे।